मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। साडे हक रखे जो किसानों ना टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों ना टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखो जी, किसी नु बदनाम करने तो पहला पंजाबी च कहावत भी आपकी पीढ़ी थले सोटा मार लेना बहुत जरूरी है। जिन्हें लीडर ने सब तड़ी पार ने, अमित शाह आप खुद एक तड़ी पार रह चुके हैं और सानू भोले भाले किसानों को खालिस्तान का नाम दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट को या आम लोगों को जरूरत होती है, हम लंगर बांटते हैं, तब तो सिख ये सिख वो। जब सिख अपने हकों की बात करता है वो अतवादी है, वो देशद्रोही है, वो हड़दंगबाजी है। आरएसएस वाले वो जो बोलते ना खालिस्तानी है, वो आरएसएस वाले बोलते हैं। जहाँ पे वहाँ पे हमने बैरिकेड पे गए थे, जो उन्होंने वो पत्थरबाजी की थी वो खालिस्तान वाले थे, वो आरएसएस वाले थे, खालिस्तानी थे आरएसएस वाले। मोदी खेती करता है, मोदी खेती करता हो तुम्हें पता हो, खेती ऐसे ही करते हैं, सानू पता है, उन्होंने की पता है। करो असं सत्ता में सिर लटने बाड़ा के रात जाने, उन्होंने की पता है। जहाँ पर ये सारे लोग जो खड़े हैं ना, ये हरियाणा वासी हैं। हम लोग खट्टर को बता देंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि हरियाणा किसान खिलाफ नहीं ना, आपके एमएलए और एमपीओ को गांव में भेज कर देख लो तो पता चल जाएगा। हरियाणा वालों ने बोर्ड लगा दिए सभी गाँव में कि जो बीजेपी और जेजेपी के नेता को गाँव में नहीं घुसने देंगे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें दम है तो हमारे गाँव में घुस के दिखाए, हम इनको बताएंगे गांव की ताकत क्या हो सकती है, गांव की किसान की ताकत क्या होती है। ये हरियाणा इनके इनकी निरोल सरकार है, फिर भी हमारे गांव में रैली करके दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रात का वक्त है और इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखिए, ये हनुमान धर्म काटा है बहादुरगढ़ रोड, और यहाँ पर जो है इस साइड में मेरे दिल्ली है और इधर जो है वो हरियाणा है। हरियाणा दिल्ली का ये टीकरी बॉर्डर है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत जैलदार। गुरप्रीत जैलदार। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंदर सिंह रोड़ी। आपका क्या नाम है? सुखबंदर सिंह। आपका क्या नाम है? जगजीत सिंह। हरविंदर सिंह रोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि ये बार बार जो है वो कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है, किसान नहीं है, खालिस्तानी है, किसान नहीं, इसीलिए मैंने सबका नाम पूछा कि कोई अपने आप को खालिस्तान के साथ में जोड़ के तो नहीं दिखा रहा आप लोग तो, लेकिन बार बार आप लोगों के ऊपर ये लेबल किया जा रहा है कि आप लोग किसान नहीं है, आप लोग खालिस्तान के मोहरे हैं। नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल किसान है, किसान के बेटे हैं, और मैं तो जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में, जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे बैठा। किस चीज़ की जॉब करते हैं? मेरा खुद का वहाँ पे बिजनेस है और मैं एफसीआई में वहाँ पे काम करता हूँ। मैं डेढ़ किसान भी है फिर आप? मेरे फादर किसान है। अच्छा। मैं डेढ़ मंथ से इस धरनों पे, अलग अलग धरनों पे बैठ रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ अपना सारा काम कार छोड़ के। तो आप कैसे कह सकते कि जॉब करने वाला खालिस्तानी हो सकता है? लेकिन मीडिया में भी, सरकार की तरफ से भी दोनों जगह कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो खालिस्तानी है, उपद्रवी लोग हैं, इस तरह से बातें लगातार कही जा रही है। आप कब कवरेज कर रहे होंगे? आपने कहाँ भी कोई चीज़ भी थोड़ा सा नुकसान देखा होगा? यह जैसे आपने बताया कि ये धर्मकांटा है, ये आदमी ने हमें 3 दिन का लंगर दिया हुआ है लगाने को, अगर हम वो उपद्रवी होते या खालिस्तानी होती तो ये हमारे सहयोग करते? ये लोग पूरा, हम कोई भी चीज़ बाहर से लेने जाते हैं ये हमसे पैसे तक नहीं लेते हैं, सब कुछ हमें फ्री मिल रहा है, तो आप खुद ही से अंदाजा लगा सकते। नौजवान लोग, आप लोग जो है उनको दिखा करके, कुछ कुछ वीडियो निकाल करके, वो हवाला दे करके बुजुर्ग लोग पर जो है वो उतना वो जो एजेंडा है वो शूट नहीं करता है, लेकिन आप लोगों पर वो एजेंडा शूट करता है भी हम खालिस्तान उग्रवादी हैं ऐसे। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ। पहले तो यदि हम उग्रवादी होते, हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी भी हमारे को सपोर्ट नहीं करते। बुरे काम के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेगा, ये तो क्लियर है कि हम खालिस्तानी नहीं, उग्रवादी नहीं है। जो नेशनल मीडिया, जो न्यूज़ वाले हैं, वो तो मोदी के हाथों बिके हुए हैं, वो तो चांदी को सोना और लोहे को सोना बता सकते हैं। हम तो आम से लोग अपने हक मांगने के लिए आए हैं, वो तो आतंकवादी बताएंगे। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि ये दिहाड़ी हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे लगभग 7 लाख लोग दिल्ली में हो चुके हैं, आज की डेट में दिहाड़ी बनते हैं 350 रुपये, जिस हिसाब से टोटल बनता है 21 करोड़ रुपये। ऐसी कौन सी जथेबंदी है जो 21 करोड़ लोगों में बांटेगी रोज़ का? वो अनपढ़ आदमी है, वो सोचने के लिए बोलता नहीं है अभी क्या बोलना है क्या नहीं, बोल देता है कि दिहाड़ीदार है ये। 350 रुपये आप तो देके देखो इन किसानों को 10 दिन के लिए, 21 करोड़ रुपये रोज का बनता है। आपको फिर खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? हमारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो लोकल हुई है वो सरकार, केंद्र सरकार की बिकी हुई है, ता कह रहे हैं पूरे देश का किसान है जो अपना हक लेके आ रहा,
एक कोई किसान का जो भी हक है वो खून चले हैं, वो खून चली है। केंद्र सरकार ने साडा बड़ा ही खून पसीने की जिहड़ी कमाई है उससे जो असी जमीन है, जमीन से हर एक चीज़ पैदा होती है, उसनू लुटने जा रही है, साडा हक खोने जा रही है। आप लोग जब अपने पिंड से चले होंगे तो आपको अंदाजा रहा होगा कि आपको ऐसे से भी बोला जाएगा, खालिस्तानी बोला जाएगा। खालिस्तानी नहीं है साडे, हमारे जो भी इन किसानों के पास हैं उन्होंने सरकार ने ही छोड़े हुए हैं, जो खालिस्तान का नारा लाते हैं छड़े हुए हैं वो सरकार के मोहरे। आप ये कह रहे हैं सरकार के ही आरएसएस वाले, वो जो बोलते हैं ना खालिस्तानी है वो आरएसएस वाले बोलते हैं। जहाँ पे वहाँ पे हमने बैरिकेड पे गए थे, जो उन्होंने वो पत्थरबाजी की थी वो खालिस्तान वाले थे, वो आरएसएस वाले थे, खालिस्तानी थे आरएसएस वाले। पहले मेरे ये देखो, इधर देखो, खालिस्तान वाले जे लेके आएंगे बोरी, यहाँ पे आटे की बोरी पड़ी है, वो खालिस्तान वाले लेके आएंगे। जब किसान लेके आए, जहाँ पर हम बैठे हैं धरना दे रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हम आराम से कर रहे हैं कुछ भी, जो भी कर रहे हैं आराम से। कोई जहाँ पे आपको दिखे किसान को कोई भी किसान बोल रहा है जहाँ पे गलत बोल, कोई भी गलत किसान नहीं बोल रहा। ट्राली खड़ी है सारी, ये खालिस्तान की, अगर खालिस्तान की होती है दिल्ली पार करी होती हमने। ठीक है, देखिए अगर जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे किसानों से प्रधानमंत्री जी ने अकाउंट बनाया, मोदी जी ने कहा कि किसान लोग इसमें राहत कोष में कुछ खाने के लिए कुछ पैसा वगैरह दें। जब हम लोगों को लंगर लगाते हैं तो हम सत्यवादी बन जाते हैं, और जब सरदार अपना हक मांगने आते तो हमको खालिस्तान के नाम पे जोड़ के हमारे एक मूवमेंट को बदनाम किया जाता है। हम सिरसा रोड़ी गांव से आए हैं, हमारे को यहाँ तक आने पे चार बार बैरिकेड लगा के रोका गया, और हमने चार बार शांतिपूर्वक तरीके से पहले उनकी बात कही, फिर हमने शांति से अपना यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने किसी रास्ते में कोई बैरिकेड नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, कोई टोल प्लाजे पे नुकसान नहीं किया। यहाँ भी आज बैठे हैं तो लोग हमारा, लोकल जनता जो है हमारा साथ दे रही है। हमारे लिए लोगों ने फैक्ट्रियां तक खाली कर दिए, हमारे नहाने के लिए हमको राशन दिया है। अगर हम दिहाड़ीदार मुखट्टर सरकार बोल रही है, हम तीन महीने का राशन लेके आएगा दिहाड़ीदार आदमी से, तो लॉकडाउन में सरकार को तो भैया लोगों को सरकार ने बिठा के खवा नहीं सकी सरकार उन्होंने, और सरकार एक महीने वास्ते लोगों को नहीं खवा सकी, और सानू खालिस्तान दे ना समर्थन कर रहे। तो आप लोगों को बाबा जी, जब आप लोगों को आपके बच्चों को ऐसे बोला जा रहा है बुरा लगता होगा? बुरा लगेंगे, जो नजायज बात कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। हम किसान हैं, सारे बेटे सारे किसान दे पुत्र ने, आपके हक लैन वास्ते आए हैं, असं अपना हक लैने हैं। तो यह अंतवादी कहते हैं अपने हकों के लिए असं आए हैं, असं कोई बुरा काम कर नहीं आए, ना ही बुरा काम करिए। सरदार सरदार में धरना साडा, असं सरकार को कहने साडा हक दे दो, असं आपदे करो कर। देखो जी जो ये किसान अंदोलन आपके पूरे जोर से आ गया उदो इन्हों यही किसान अंतवादी लगन लग गए, खालिस्तानी लगन लग गए। इतों पहले ये कहें असी हरियाणे चो कोई किसान ही नहीं आया, ये मिनट मिनट बाद झूठ बोलते हैं, कदे ये कहेंद हरियाणे का किसान नहीं, कदे क्यों बोल रहे खट्टर सरकार है ही झूठा नहीं सरकार, ये झूठ बोलते डरे हुए ना किसानी अंदोलन तो। असी हरियाणे तो आए हुए हैं, ये कहें असी हरियाणे तो किसान ही नहीं आए, हरियाणे तो घट्टो घट इतने लख डेढ़ लाख किसान आया होगा, तो यह कहें हरियाणे तो किसान नहीं आया। पहला सरसे असी धरने लाए, उत्थे इन्होंने अथरू गैस के गोले छड़े, फतेहाबाद धरने, सरदार ज्यादा है बाकी लोग नहीं है, सब लोग है सरदार, पंजाबी बैल्ट है जी ना लगती जिनी है पंजाब के नाल है, पंजाबी बैल्ट हैगी, पर सरदार ही होंगे साढ़े नाल। चौधरी बड़ा आया, चौधरी सेवा करे साड़ी, बाबा जी। लेकिन आज मोदी ने अपनी मन की बात की, उसमें भी फायदे कहा है कि ये जो कानून है इसका फायदा है, आप लोग तो खामखा विरोध कर रहे हैं इसका। सानू पता है, सानू पता ना, साडा फायदा है कि फायदा है, सानू पता है कि उन्हें पता है। मोदी खेती करता है, मोदी खेती करता हो तो उन्हें पता हो, खेती ऐसे ही करते हैं, सानू पता है, उन्हें की पता है, कदों अभी सत्ता में सिर लटे हैं बाड़ा के रातों जाने, उन्हें की पता है।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਕੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਸੀ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਜੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਹੈ तो लगातार पूरे देश के आ रहे हैं मोदी जी कह रहे इससे फायदा है आज भी उन्होंने मन की बात फायदा है तो मंडियों के अंदर जाके देखो बिक्रे आगे धान है कपास है बाजरा है फायदा क्या है मंडी को अंदर जाके देखो मंडी जाके देखो लेकिन अब ये चलाया जा रहा है कि आप लोगों की वजह से दिल्ली के लोग परेशान है बॉर्डर के लोग है वो परेशान है तो अब जो है मीडिया में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आपके प्रति जो सिंपथी पैदा हो रही लोगों में वो खत्म हो जाए ये एक जैसे मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँ आप मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेंगे भी ये तो गलत हैं लेकिन मैं आपको बताता चलो हम ठिकरी बॉर्डर पे खड़े हैं यहाँ के लोग हमारे को इतना कोऑपरेट कर रहे हैं नहाने के लिए पानी की सुविधा खाने के लिए खाना यदि हमारे को कोई थोड़ी बहुत राशन की या किसी भी चीज़ की जरूरत होती है वो हमारे से पैसे नहीं ले रहे लेकिन हम दिल्ली वालों को बताते चलेंगे जो अनाज उनके घर पर पहुँचता है किसानों ने पैदा किया होता है दूध पहुँचता है किसानों के घर से जाता है जो सब्जी आती है वो भी किसानों के खेत से आती है जो पहनने के लिए कपड़े तक के कॉटन के कपड़े आते हैं वो भी किसान के खेत से निकलते हैं हम आपको बताते चले यदि हम हड़दंगबाज होते आतंकवादी होते जहाँ कोई भी तोड़ फोड़ करने वाले होते आज तक अब तक तो हम पूरे दिल्ली का राशन बंद कर चुके होते और पूरी दिल्ली भूखी मर रही होती हम अपने शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं किसी को कोई भी नफा नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हाँ यदि हमारे को उकसाया जा रहा है वो उकसाया जा रहा है पुलिस द्वारा हम फतेहाबाद से चले हैं चार बैरिकेड आए हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद प्यार से जब बॉर्डर क्रॉस करना चाहे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती लाठियां बरसाई हमने कुछ भी नहीं किया पुलिस हमारे को टॉर्चर करी है भी जो हड़दंगबाजी करें तोड़फोड़ करें लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्यार जो से लोग जो लोग किसान नहीं है उन लोगों को कैसे अपने अपने साथ जोड़ेंगे किसान तो चलिए आपके साथ जुड़ जाएगा मैं आपको बताता चलूँ हमारे देश की कम से कम 75% जनता खेतीबाड़ी से जुड़ी है 25% बिजनेस से जुड़ी हुई है मैं उनको बताता चलूं यदि 75% खेती हमारी खत्म हो गई सबसे पहले खत्म होगा मजदूर उसके बाद खत्म होगा दुकानदार लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है ना कंपनियां किसानों के साथ उनको तो खेती जो उनकी जमीन है उनको तो ठेका दिया जाएगा ना किसान तो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा लेकिन उसके खर्चे कम करके बच जाएगा लेकिन सबसे पहले यदि मरेगा तो मजदूर ही भूखा मरेगा उसके बाद दुकानदार फिर किसानों के ऊपर तलवार लटकेगी देखिए ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं आपने कहाँ तक पढ़ाई किया मैंने ग्रेजुएशन BBA की है अच्छा बिजनेस की स्टडी की है मैंने लेकिन इन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग बरगलाए हुए लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं उनको कानून समझ में नहीं आ रहा है कानून के फायदे जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर खड़ा एक एक व्यक्ति जो है वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई प्रवक्ता हो और प्रवक्ता की भांति जो है वो तमाम बातें जो हैं ये लोग कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है देखिए दो बातें आपको समझनी बेहद ज़रूरी है किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने के दो ही तरीके होते हैं पहला तरीका यह है कि आंदोलन को हिंसक बना दिया जाए आंदोलन हिंसक नहीं हो रहा है और इसीलिए जो है वो सिंपथी लोगों की लगातार जुड़ रही है दूसरा उस सिंपथी को ख़त्म करने का तरीका होता है कि आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए उसमें शामिल लोगों को बदनाम कर दिया जाए तो दूसरी कोशिश जो है वो अब लगातार दिख रही है कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है लेकिन लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं वो लगातार हम भी जिस शहर में जा रहे हैं जहां पर भी बॉर्डर पर जा रहे हैं वहां पर दुकानें बाकायदा खुली हुई हैं ATM जो है वो खुले हुए हैं 24 घंटे ATM खुले हुए हैं और जो जितने भी शीशे के जो स्टोर हैं जिनके शीशे के गेट हैं वो भी बाकायदा सेफ है कहीं पर कोई पत्थर उछालने तक की बात जो है वो नहीं है लेकिन फिर भी एक लेबल लगातार लगाया जा रहा है कि ये खालिस्तानी है और शायद ये इसीलिए किया जा रहा है कि इनके बदनाम करके इस प्रोटेस्ट को जो है इस आंदोलन को जो है वो ख़त्म किया जा सके आपकी राय क्या है कि आपको वाकई लगता है कि जो ये किसान जुट रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ किसान हैं क्या आपको लगता है कि वो किसान हैं या आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है उग्रवादी है आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर